नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है और गर्मी आते ही तमाम तरीके की बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन चौधरी से खास बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिर वो घरेलू उपचार क्या हो सकता है जिनसे गर्मियों से निजात पाई जा सकती है। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। लाइव 24 में आपका स्वागत है, मैं हूँ विशाल सक्सेना। गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों को लेकर के जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो तमाम तरीके की बीमारियाँ भी दस्तक लाती हैं। आज हमारे साथ में चौहान जी मौजूद हैं, डॉक्टर चौहान मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गर्मियों में भी घर पर क्या ऐसे घरेलू उपाय हो सकते हैं जिनसे निजात पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में, ए लाइव के कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां अधिक बढ़ जाती हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या पेट से संबंधित कोई बीमारियाँ हों, क्या कहना चाहते हैं, क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं? गर्मियों में घरेलू उपाय अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को दस्त लग जाते हैं, बच्चों को दस्त लग जाते हैं, उसमें आप चीनी नमक का पानी बच्चों को बार बार पिलाते रहें हर घंटे पे। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि जो उम्रदराज लोग होते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें पुदीने की चटनी और क्या नाम है आपका, बार बार पुदीने की चटनी को आप जैसे खाने में यूज़ कर सकते हैं, और ठंडा पानी आप बार बार यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो और बीपी, जो बीपी प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम, जो बार पेशाब जाएंगे बार बार यूरिन करने जाएंगे तो उसमें उनको बहुत राहत मिल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में ही ज़्यादातर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, इसका मुख्य कारण क्या रहता है? मुख्य कारण ये होता है कि गर्मियों में एक तो हमारा जो एटमोसफेयर होता है एकदम ड्राई हो जाता है, और ज़रा सा भी मॉइस्चर मिलते ही इसमें फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन क्या है, हमारी बॉडी को एकदम से मतलब एटमॉस्फेयर चेंज होने पे ही बॉडी पे अटैक करता है, और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो हमारी उसको सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियाँ। आप अपने हॉस्पिटल के माध्यम से क्या क्या चिकित्सा लोगों को दे रहे हैं? हम अपने हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों को ये चिकित्सा दे रहे हैं कि बहुत ही एक तो जेन्युइन रेट पे हम उनको चिकित्सा दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक तो फ्री ओपीडी है, कोई उनका जो जैसे भी पेशेंट आए उससे कोई भी पेमेंट ना लिया जाए, ये हमने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि जो भी पेशेंट आए क्योंकि पेशेंट के पता नहीं होती पेशेंट किस कंडीशन में आ रहा है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं, उसके बाद पहले हम फर्स्ट एड सबसे पहले उसको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि पेशेंट किस कंडीशन में है उसको हम उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद पेशेंट की जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पूरी जांच पड़ताल कराते हैं, जिससे कि हमें ये पता पड़ जाए कि पेशेंट किस कंडीशन में है, उसके बाद हम पेशेंट को फिर ट्रीट करते हैं कि किस तरीके का उसको हमें ट्रीटमेंट। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से उन डॉक्टरों को और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अस्पताल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अस्पताल के माध्यम से तो उत्तर प्रदेश की जनता को मैं यही कहूँगा कि अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि बीमारी हम ही लोग उत्पन्न करते हैं 90%, 10% ये प्राकृतिक होती हैं, बाकी हम आसपास गंदगी ना होने दें, पानी ना भरा रहने दें गर्मियों के टाइम में, कूलर के उनमें टब में, और बहुत सी अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बचा जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि कई बार खान पान को लेकर के भी बड़ी समस्या हो जाती है, सर खान पान का क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? खान पान का गर्मियों में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे खाने में रोटी दाल चावल सब्जी जितनी भी हम चीज़ बनाते हैं वो सुबह का बना हुआ शाम तक बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, उतना ही बनना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है, और ये नहीं है कि हम अभी रख दें शाम सुबह को फिर खा लेंगे, तो उसमें जो है बैक्टीरिया कुछ भी चीज़, गर्मी पड़ रही है टेम्परेचर इतना है कि 48 के समथिंग आ चुका है, तो उसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होने की संभावना रहती है। अच्छा, जंक्स फूड बच्चों के लिए क्या संदेश है? जंक्स फूड ले रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सर ये तो बिल्कुल बच्चों को क्या, बच्चों के माँ बाप को इन पर ध्यान देना चाहिए कि इसको अवॉइड करें, क्यों कि मोमोज ये भी कंपनी से पैक आते हैं किस कंडीशन में बन रहे हैं, पुराना बहुत समय का रखा हुआ प्रोडक्ट हो जाता है, और ऐसी मैगी हैं मोमोज हैं
पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सभी चीज़ बच्चों के लीवर पे इफ़ेक्ट करते हैं खाने के बाद। और फिर पेट में दर्द, जब हमारा लीवर ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा उसके बाद पेट में दर्द बताते हैं बच्चे, जिससे कि छोटे बच्चे कई दिनों तक हमें बता ही नहीं पाते उनको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बार मैं दर्शकों को बता दूँ, कई बार रोग पता ही नहीं चलता है। कई बड़े रोगों में कई बार ऐसा देखा गया है कि अंतिम स्टेज पर आकर ही पता चलता है कि एक गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टर साहब, पहले से क्या संकेत ऐसे हैं जिससे आदमी को चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि मुझे इलाज की आवश्यकता है? पहले से संकेत तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन 90% क्या है कि जेंट्स तो एक बार को दिखा देते हैं, लेडीज़ उस चीज़ को इग्नोर करती चली जाती हैं। सर में दर्द है तब भी वो एक बार को इग्नोर कर देती हैं, बुखार आ रहा है तो जनरली जो पैरासीटामोल हैं और भी ब्रूफिन, क्रोसिन है, इन सबको लेके वो अपना इग्नोर कर देती हैं। अब लीवर की बीमारी है, पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट की दर्द की गोली खा लेती हैं, हैं के और बहुत सी यूरिन प्रॉब्लम है कि सर पैरा जलन होके आ रहा है, नहीं पानी नहीं पी रही होगी, तो उससे क्या है कि हमें समस्या का पता दो एक दिन बाद पड़ जाता है, लेकिन उसको जो है हम इग्नोर खुद ही करते हैं। और बच्चे हम, और यही बीमारी बच्चों में अगर होती है तो हम बच्चे हमें बता नहीं पाते, तो पेट जाते हैं हम दिखाते हैं कि साहब पेट में दर्द है, पेट की दर्द की दवाई खिलाते हो। अगर पूरी तरीके से बच्चे को डायग्नोस करके अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, या बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हों, सभी को अपना पूरी तरीके से डायग्नोस करके अगर उस चीज़ को हम करें तो सफलता मिल सकती है। हमारी जनता के लिए और चैनल के दर्शकों के लिए कोई अंतिम सर अंतिम उपदेश तो यही है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखें, और अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, तब उसके बाद कोई मेडिसिन लें, जिससे कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में चौहान साहब, जिनका कहना है और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि मानवता को सर्वोपरि रखना है। पेशेंट के पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो उससे पहले उसका पहले उपचार होना जरूरी है, और ये एक मानवता की बात है और हम इसे सलाम करते हैं। कैमरामैन विनीत गुप्ता के साथ ए लाइव न्यूज़ 24। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर सचिन चौधरी ने गर्मियों को लेकर घरेलू उपचार बताए और गर्मियों को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, वहीं खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी ही खास रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।